ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्यदय, मैं हूं आपकी साथी दीपा और हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी राशियों के हाल की, यानी बात करेंगे सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के जातकों के आज के दैनिक राशिफल की और जानते हैं कि आज के दिन में बेहतरी बनाए रखने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही भाग्य जिनका कितना प्रतिशत साथ देगा। जी पंडित जी। जी, सिंह राशि के जातक, हर्ष उत्साह का आज दिन है। आज के दिन आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और साथ साथ में आज के दिन पारिवारिक माहौल बहुत बेहतर होगा। आज के दिन आप रंगों में श्वेत रंग के वस्त्र पहने, शुभ अंक आपका 5 है और भाग्य प्रतिशत आपका 58 है। कन्या राशि के जातक, आज का दिन बहुत ही उमंग का है, हर्ष उल्लास का दिन जैसा है। आज के दिन आप बच्चों के बीच में, अपने संतान के बीच में बहुत अधिक आनंद का लाभ उठाएंगे। खास बात ये कि आज के दिन आपको शासन से लाभ तो मिल सकता है, लेकिन कुछ और सावधानी रखना है, जैसे उदर विकार है, त्वचा में विकार हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, पानी अधिक पिए तो लाभ होगा। शुभ रंगों की बात करें, हरा रंग आपके लिए उत्तम है। शुभ अंक आपका आज के दिन 9 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो आज के दिन आपका 89 है। तुला राशि के जातक, शनि का नेगेटिविटी आप पर चल रही है, शनि की नकारात्मक शक्तियों के कारण बहुत सारे काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे समय पर और आज नाग पंचमी के पर्व पर आपको भगवान शिव को दूध का अर्घ देना चाहिए, यानी दूध लें उसमें थोड़ा पानी मिलावें और भगवान शिव के मंदिर में जा कर के पूरब दिशा में खड़े होकर के और अभिषेक करें। अभिषेक में नागेश्वराय नमः कहेंगे, ऐसा करने पर बहुत सारा लाभ मिलेगा। रंगों की बात करें तो आज के दिन आप डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा रंग धारण करें, शुभ अंक आपका 7 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें 77 है। वृश्चिक राशि के जातक, सक्रियता आज बनी रहेगी। आज के दिन आप बहुत ही अधिक क्रियाशील रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप आज के दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने का कारण ये भी है कि आज के दिन नाग पंचमी के कारण बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो रही हैं। आज के दिन छोटे छोटे नाग नागिन बना करके एक जोड़ा शिवलिंग पर रखने पर लाभ होगा। चांदी का एक बना कर रखेंगे, अधिक लाभ का योग बना हुआ है। रंगों की बात करें तो नीला रंग आपके लिए उत्तम है। भाग्य अंक आपका आज के दिन 8 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 88। जी, तो ये तो हमने जाना वृश्चिक राशि तक के जातकों के आज के दैनिक राशिफल को। साथियों, जैसा कि नाग पंचमी हिंदुओं के मुख्य पर्वों में से एक है और इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। यूं तो मनुष्य और नागों का संबंध पौराणिक कथाओं से छलकता रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग को देवता माना गया है और इनका विभिन्न जगहों पर उल्लेख भी किया गया है। कहते हैं नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी की पूजा का सही विधान और पूजा का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी, बताइए। हमारे शास्त्र में हर पूजा का बहुत बड़ा संबंध मानव जाति से होता है। नाग पूजा का एक आध्यात्मिक पक्ष ये भी है कि मानव के शरीर में कुंडलनी होती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक कुंडलनी का स्वरूप होता है। मूलाधार में कुंडली मारे सांप बैठी होती है और वो जागृत हो जाती है, आज वो दिन भी है। बहुत खास बात है कि नागों को दूध से स्नान कराना, दूध पिलाना, भारतीय चिकित्सा विज्ञान तो कहता है कि नाग दूध नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ प्रवृत्ति वासुक प्रवृत्ति नाग दूध पीते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में चित्र से अंकित भी किया गया है। गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण आदि में ऐसा भी आया है कि कामधेनु की पुत्री
जो गाय है वो नागों को दूध पिलाती थी, तो ऐसी भी तमाम शास्त्रों में उल्लेख मिला है। और वासुकी नागों को, तक्षक नागों को दूध पिलाने पर मोक्षत्व की प्राप्ति का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि नागों की पूजा विधि किस तरह की जाए। प्रातः के समय स्नान आदि करके घर को साफ सुथरा करके एक पीला वस्त्र बिछा करके पाटे पर, और उस पर नाग की आकृति का आप चांदी के या पीतल के या तांबे के सोने के किसी नाग नागिनी बना करके, और उनको पहले दूध से स्नान कराएं। शास्त्रों में ये आता है कि पुरुष सूत्र का पाठ करें, और नहीं तो तक्ष केशवराय नमः मंत्रों से नागों को स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, उसके बाद उनको चंदन लगाएं, और भोग में खीर का भी प्राविधान है और चने का भी प्राविधान है, ऐसा अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है। तो इस तरह नागों की पूजा करना चाहिए और बाकायदा आरती करना चाहिए। आरती में आप शिव की आरती कर सकते हैं, शिव के स्वरूप की भी पूजा हो सकती है। वासुकी नाग भगवान शिव के गले के हार हैं, तो उनकी पूजा होती है। और साथ साथ में जब पूजन आप करें तो घर के द्वार पर जाएं, और द्वार पर आपको नाग बनाना चाहिए, दोनों तरफ द्वार पर नाग बना देना चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में नागों का भय नहीं होगा, नाग या सर्प नहीं आएंगे। अब दूसरी बात आती है कि हमारे जीवन में यदि राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो जाएं तो हम कहते हैं काल सर्प दोष हो जाता है। तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं जी। पंडित जी कहते हैं अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो जाए तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जानना चाहेंगे क्योंकि आज नागपंचमी का खास दिन है, तो आज के दिन क्या ऐसे कोई उपाय किए जा सकते हैं जिससे कुंडली में काल सर्प दोष को दूर किया जा सके। काल सर्प दोष एक विशिष्ट प्रकार के गणितीय ज्योतिष गणितीय एक ऐसी आलेखन आनयन प्रणाली है जिसमें ये बात कही गई है कि सूर्य अपनी जिस कक्षा में चलता है, चंद्रमा जिस कक्षा में चलता है, दोनों का क्रास बिंदु, जहाँ पर दोनों का क्रास या बिंदु आता है वो स्थान उत्तर का राहु कहलाता है, दक्षिण का केतु कहलाता है। तो उस बिंदु के एक तरफ यदि सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसे में कोई काम नहीं होता है, तमाम बीमारियाँ बनी रहती हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, मन में बहुत सारे शंका बने रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से आप घिरे रहते हैं जिनको काल सर्प दोष होता है। मन बुद्धि चित्त बहुत ही विभ्रमित हो जाता है, साथ साथ में कोई काम नहीं होता ढंग से, शारीरिक तमाम पीड़ा हो जाती है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है, और आज नागपंचमी है, आज नागों की विधिवत पूजा करने पर किसी भी तरह का काल सर्प दोष हो, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, तो किसी भी तरह का काल सर्प दोष हो, चाहे वो अनंत हो, चाहे वो कुलिक हो, चाहे वासुक हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन आप करते हैं तो लाभ होता है। उससे पहला नियम है नागों को आप लाएँ घर में और उनको पूजा करें विधिवत। पूजा में तक्ष केशवराय नमः या वासुकी आदि नागों का नाम लिया जाता है, साथ साथ में सर्पेभ्यो नमः मंत्र का भी नाम लिया जाता है। इस मंत्रों से नागों को स्नान कराएं, तो उसके बाद में दूध से, दही से, घी से, मधु से, मिश्री से स्नान कराने के बाद में फिर उनको जल से साफ करें, एक जगह पर रख करके पीले कपड़े पर, और विधिवत उनकी आरती करें, पूजा करें। इस तरह करने पर लाभ। पंडित जी आज के विषय पर आपसे चर्चा को यूं ही रखेंगे जारी, फिलहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक का।